नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी एट ट्रेडिशन ऑफ एक्सलेंस में। दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करेंगे जो कक्षा 10 का मैथ का पेपर होने वाला है 2020 के अंदर, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 588 इंटू 512 बाई यूजिंग एकाधिकेण पूर्वेण सूत्र। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन होगा जो इम्पोर्टेंट है, सोल्व कीजिए, एक इक्वेशन दे रखी है इसको आपको सोल्व करनी है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, आफ्टर हाउ मनी डिजिट्स डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 37/2 इंटू 5 स्क्वायर टर्मिनेट्स। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 52 डिग्री 10 38 डिग्री। इसी तरीके से जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। उसके बाद में जो सिक्स क्वेश्चन है वो है, राइट द लोकस ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड इन एज क्लॉक। सेवन्थ क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। एट्थ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाई वंस। नाइन्थ क्वेश्चन है, वॉट इज द शेप ऑफ रेड सिग्नल लाइट इन ट्रैफिक साइन। टेंथ क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन है 11, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7225 बाई द्वंद्व योग मेथड। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट विच डिवाइडेड 247 एंड 205 बाई लिविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। 13 में है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। इसमें शेडेड पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। शेडेड 14 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 42 सेंटीमीटर। 15 क्वेश्चन, सीसीटीवी कैमरा इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए स्ट्रेट 12 मीटर हाई पोल इन सच ए वे दैट ट्रैफिक कैन बी सीन बियॉन्ड 13 मीटर ऑफ ए लाइन ऑफ साइट ऑफ इट। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द फुट ऑफ पोल बियॉन्ड विच द ट्रैफिक इज विजिबल। उसके बाद पार्ट सी स्टार्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज एंड टर्म इज गिवन बाई ए एन इज इक्वल टू 25 - 2n। 18 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टू पॉइंट सी एंड डी एट डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट एक्स वाई। 19, मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर ए डी बी ई एंड सी एफ पासिस थ्रू ए पॉइंट जी इफ ए जी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बी ई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एफ जी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड ए डी जी ई एंड जी सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपको एक फिगर दे रखा है, बोला कि इन फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 24 है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया जो पे टू स्पेयर इज 9:16, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 25 पर, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सपल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डेट कार्ड इज। फाइंड क्वेश्चन नंबर 26 है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन बाई ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड वैल्यू ऑफ ए वेर एज 4x + 3y इज इक्वल टू ए x + 3y इक्वल टू 6, 2x - 3y इक्वल टू 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, इनको सोल्व कर लेना अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर ए 3 - 2 बी 0 6 एंड सी -2 4, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको पढ़ लेना, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इसके और में दे रखा है, इफ ए पॉइंट डी ऑन द साइड बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, देन प्रूव दैट 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर।
उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको कम से कम एक बार जरूर सोल्व करें। थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।